सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आप सीडीएस के लिए जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी कहाँ से और कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी आपके सारे डाउट जो हैं इस वीडियो को एंड तक देखने में क्लियर हो जाएंगे। आप 2x, 3x, 5x कितनी भी स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल पर नया है तो बता दूँ, मेरा नाम पुष्पेंद्र और मैं जो है सीडीएस की प्रिपरेशन मैंने लगभग 5 अटैम्प्ट दिए हैं, जिसमें से 4th अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ था। तो आई नो कि वॉट आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और लिसन लिसन लिसन, मेरे पास लक्ष्मीकांत नहीं है पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखो, सबसे पहले जियोग्राफी की बात करते हैं। जियोग्राफी में आपको ना इंडियन जियोग्राफी ही करनी है, वर्ल्ड जियोग्राफी पर जाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब वर्ल्ड जियोग्राफी से, जैसे जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन और पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है, लगभग 50% जीएस जो है इन तीन टॉपिक से आती हैं, तो फिर करना तो बनता ही है। ठीक है, अब देखो, इन तीनों में अगर मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी हो तो मैं उन तीनों में दूंगा पॉलिटी को, दूसरे नंबर पे मैं दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आती है, थर्ड नंबर पे जियोग्राफी को क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है। बाकी अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से देंगे तो फिर पॉलिटी और जियोग्राफी, हिस्ट्री ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत कम ही फंसते हैं। देखिए गाइस, जियोग्राफी के लिए इंडियन जियोग्राफी ज़रूरी है। अब इंडियन जियोग्राफी में आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहली बात आती है 11th 12th की एनसीईआरटी, जो मैंने काफ़ी कम पढ़ी थी और बहुत बाद में पता चली, मतलब पता तो मेरे को पहले से ही थी, बट मैं 11th 12th की एनसीईआरटी मेरे को इतनी ज़्यादा लग रही थी, कुछ कहने की नहीं है। लेकिन ईमानदारी वाली बात यही है कि सीडीएस के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत सही चीज़ है जियोग्राफी के लिए, तो आपको करनी चाहिए, कम से कम 11th की तो करके ही जाइए। अच्छा, तो मैंने किससे करा था, मैंने पढ़ा था खान सर से जियोग्राफी, और उनकी YouTube पे फ्री क्लासेस किसी ने डाल रखी थी तो मैं वहीं से पढ़ रहा था, वो काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद में आप लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर अभी भी आपको YouTube पे खान सर की फ्री क्लासेस मिलती हैं जियोग्राफी की तो आप ले लीजिए, नहीं मिलती हैं तो उनका कोर्स ले सकते हो यार, 199-200 रुपये जितने का भी दे रहे हो, सस्ते में ही मिलता है, वरना यूट्यूब से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर भी मिल जाएंगी जियोग्राफी बाई खान सर करके देख लेना डाल के। लेकिन ईमानदारी वाली बात ये है कि 11th 12th की एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छे से आएगा और डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, और खान सर से जो पढ़ोगे वो चीज़ समझ में आएगी, ये ज़्यादा फायदा हो जाता है खान सर से पढ़ने का। ठीक है, सेकंड टॉपिक की बात करें, अच्छा जियोग्राफी में मैं आपको टॉपिक की बात बताऊँ तो टॉपिक भी बता सकता हूँ मैं आपको। देखो गाइस, ये हैं मेरे जियोग्राफी के नोट्स, पूरे मैंने प्रॉपर बना के रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें टॉपिक लिख रखे हैं सोलर सिस्टम, टोपोग्राफी, जियोलॉजी, इंडियन जियोग्राफी, हिमालय एंड अदर्स, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, एटमोसफेयर, पॉपुलेशन, भूकंप और ठंडी गर्म जलधाराएँ, और बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैप के ऊपर आते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इनसे आपका ये नहीं है कि 20 क्वेश्चंस पूरे कवर हो जाएंगे, ईमानदारी से कहता हूँ बिल्कुल कवर नहीं होंगे 20 क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपके पास इतना टॉपिक पढ़ के, अगर आप 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ते हैं पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 में से 17-18 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई बहुत अच्छी चीज़ आ जाए। लेकिन अगर आप इतने टॉपिक भी कर लेते हैं तो भी आपके कम से कम 12-13 क्वेश्चन अगर वहाँ से बन रहे हैं और आप कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत है। इन सब टॉपिक के साथ में आप जिस भी सोर्सेज से पढ़ रहे हैं ये बात ध्यान रखना कि आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। प्रीवियस ईयर लगाने के लिए मैंने आपको बहुत सारे सोर्सेज बताए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स बताता हूँ आपको, ओसवाल बुक्स, आप वो जो है ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो है पिछले 5 साल के जो प्रीवियस ईयर आते हैं, 5 साल में मतलब 10 पेपर जो आए हैं जीएस के, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो बुक है। ठीक है, आप जो को लिंक डिस्क्रिप्शन वहाँ से मंगा सकते हैं, थोड़ा बहुत मेरा भी फायदा होगा वहाँ से अगर आप मंगाते तो कोलैबोरेशन में, लेकिन बुक अच्छी है, एक्चुअल में अच्छी बुक है। उसमें प्रीवियस ईयर के ना केवल ये नहीं बताया गया है कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, सॉल्यूशन, एक तो एक्सप्लेनेशन दी रखी है और साथ में ही एक्सप्लेनेशन के साथ में उन्होंने बता रखा है कि ये जो पूरे क्वेश्चन आए ना, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सब चीज़ें भी बता रखी हैं, तो बुक अच्छी है। आप प्रीवियस ईयर के लिए जीएस की बुक्स जरूर ले सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढेंगे, उनकी बुक लेंट निकलवाएंगे, ये सब सॉल्यूशन वगैरह कहीं से तो देखोगे ना, तो उस पर बुक से जाइए आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से भी आपको सस्ती मिले वहाँ से मंगा लीजिए, और लिंक से जाके मंगाइए तो ज़्यादा ही बढ़िया बात है। ठीक है गाइस, ये सब बातें थी जियोग्राफी की, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की बात करें तो फिर देखो, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, कायदे से अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज जो है वो 70% से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कुछ लास्ट के प्री पेपर देखेंगे तो फिर उसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि एंशियंट हिस्ट्री से 50% से ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन हम जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे जब तक ट्रेंड ढंग से चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी आपको जो है केवल मॉडर्न हिस्ट्री पहले करनी है, उसके बाद में टाइम बचता है तो एंशियंट पे मिडिवल का कर लीजिए कुछ टॉपिक, फिर उसके बाद में एंशियंट के टॉपिक करिए, वरना मत कीजिए। 11th 12th एनसीईआरटी फिर से मैं बोलूँगा हिस्ट्री के लिए भी रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन फिर से एक बात,
खान सर जीत गए यहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने खान सर से पढ़ी है, मिडिवल हिस्ट्री भी खान सर से पढ़ी है। उसके बाद मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर थे वो लगा लेता था, आप उस वाले से जा सकते हैं बिल्कुल। टॉपिक देख लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के, कंपनियां जो आई थी भारत में वो 1857 क्रांति आंदोलन विद्रोह सुधार 1885 1905 1910 के जो जितने भी आंदोलन थे वो सब, गांधी नेहरा 1919 का रोलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज, काकोरी षड्यंत्र, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा, मुस्लिम लीग, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, प्रेस स्वतंत्रता, दिल्ली दरबार, गवर्नमेंट गवर्नर एंड वायसराय, संगठन, कांग्रेस अधिवेशन, भूमि सुधार आंदोलन जो हुए थे उनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, और अगस्त आंदोलन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके पास एक मैं बता रहा हूँ, देखो स्पेक्ट्रम आती है और विपिन चंद्रा, मेरे को पर्सनली जो है मैंने विपिन चंद्रा से करा था क्योंकि स्पेक्ट्रम इतनी मोटी है, विपिन चंद्रा इतनी है, मैं बुक में वहाँ भरोसा रखता हूँ जो किताब मैं ख़त्म कर पाऊँ। स्पेक्ट्रम मेरे को बताता मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा इतनी जल्दी। आप विपिन चंद्रा ले लीजिए, 100-150 रुपये की 200 रुपये की किताब होगी, आप यहाँ से ले सकते हैं, उससे कर लीजिए ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री खान सर पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, वो तो आपको बुलेट पॉइंट्स के रूप में मतलब बताएंगे वो पूरा, लेकिन लिखाएंगे बुलेट पॉइंट्स के रूप में, लेकिन क्वेश्चंस डीप आते हैं ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के लिए उस पर, और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है विपिन चंद्रा बुक पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बुक है ठीक है। हिस्ट्री आपको वहाँ से करनी है ठीक है ओके। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। की बात करने से पहले आप कहोगे मिडेवल और एंशियंट बता दीजिए, कि के पास इतना टाइम नहीं है कि आप मॉडर्न भी कर लो, मिडेवल भी कर लो, एंशियंट भी कर लो। अप्रैल में एग्जाम है, अब मैं जाऊँगा मॉडर्न को आप अच्छे से कर लो वो ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 10-12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं तो आप वो कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। फिर भी आपका मिडेवल करने का मन है तो सबसे पहले आपको मिडेवल में दिल्ली सल्तनत कर लीजिए, वहाँ से शुरुआत होती है ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आता ही, ब्राह्मणी समाज के लिए भक्ति आंदोलन कर लीजिए है ना, और जितने गुरु गोविंद सिंह वगैरह जो थे उन सब के बारे में आपको बताना चाहिए। फिर मुगल काल पे जाइए ठीक है, मुगल काल पे बाद में जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुगल काल बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री करिए, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर भक्ति आंदोलन वगैरह, उसके बाद में पीछे चलते जाइए ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ लोग पूछते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता दिए जो हैं ठीक है। पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछोगे तो मैं नहीं बताने वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होता है, पॉलिटी के बारे में बात करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं चाहिए भाई, आप पॉलिटी पढ़ते हुए क्रम से पढ़ोगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे कि मूल अधिकार करने हमें और कुछ करना ही नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, क्या किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तमीज़ से, कोई भी टीचर को एक को पकड़िए, फिर से मैं खान सर को बोलूँगा भाई क्योंकि उनसे पढ़ाऊँ तो उन्हीं को बताऊँगा, खान सर को पकड़िए वहाँ से, उनका यूट्यूब पर फ्री है यार, कोई पैसे नहीं देने हैं ठीक है, किसी ना किसी ने डाल रखा होगा, कोई ना कोई डाल ही देता है, तो वहाँ से आप पकड़िए और पूरे को पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पॉलिटी ना एक समझने वाली चीज़ है, लक्ष्मीकांत से अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं बहुत अच्छे से तो बिल्कुल पढ़िए लक्ष्मीकांत की। आप मैं कहोगे पैसे खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको NCERT कोई प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कर लीजिए, आपको मिल जाएगी पूरी PDF ठीक है। लोग बात बताते हैं कि संसद पढ़ लीजिए, राज्य पढ़ लीजिए, और कोई जो 12 पार्ट जितने भी भाग हैं उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भाग होते हैं उन्हें बता देते हैं, और बाकी के कुछ मैं छोटे मोटे चीज़ें होती हैं वो तो ऐड ऑन कर ही देते हैं, तो कुल मिला के वो पूरी पॉलिटी में से 80% बता देते हैं, 20% छोड़ देते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि वो 20% जो छोड़ने की बोल रहे हैं ना उसके चक्कर में अपनी पॉलिटी पढ़ने का सीक्वेंस खराब मत करिए, क्योंकि आपको एक बार पैसे पढ़ना ही है कि तमीज़ से आपने पूरी पॉलिटी ख़त्म कर रखी है, तो वो एक टाइम अभी से है, आप 1 घंटा 50 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए पॉलिटी, आप अच्छे से कर पाएंगे ठीक है। सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और फिर मैं बोलूँगा बुक्स अगर आपको चाहिए तो बेशक लक्ष्मीकांत एक अच्छी बुक है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप अपने नोट्स खुद बनाएंगे, टीचर से समझेंगे, क्योंकि टीचर जितने ज़्यादा दिमाग में डालेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है। फिर उसके बाद में आप वीकली जो है और मंथली जो है उस हिसाब से आप जो भी टॉपिक ख़त्म कर लिया आपने, लूसेंट्स की जो ग्रीन वाली बुक आती है ना उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ना प्रीवियस ईयर ओसवाल बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी। बस इतना ही है मेरी तरफ से। गाइस वन मोर थिंग, CS में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक तो अगर इन तीनों को आप जो है 50-50 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा गलती मत करिए। मेरा मानिए कि तीनों को मिला के अगर आप 2.5 घंटे ही पढ़ रहे हैं ना वो भी बेस्ट है भाई, उससे ज़्यादा अच्छी बात है नहीं डेली का 2.5 घंटे इन तीनों सब्जेक्ट्स को देना, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है ना गाइस। एंड सेकेंड थिंग मैंने बताई है कि मैथ्स और इंग्लिश वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होना चाहिए ठीक। देखो गाइस एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, इसीलिए बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को लास्ट में याद आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दृष्टि की चैनल पे जाइए आप, PCS स्टेट वाले है ना, वहाँ पे आपको जो है PCS लेवल के क्वेश्चंस कराए गए होंगे प्रीवियस ईयर जो आए हैं ठीक है, वो आप जो है बाद में भी कर सकते हैं,
बाद में ही करिए, एक्चुअली वही ज़्यादा सही रहेगा। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर रखी है तो फिर हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से जो BPSC में आए हैं, UPPCS में आए हैं, हरियाणा PCS में आए हैं, छत्तीसगढ़ PCS में आए हैं, इन सब में जो आए हैं ना, RAS में आया, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। देखो आपने CDS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया, उस बाल से आपने थ्योरी पढ़ ली है, और UPPCS BPSC इन सब में आए हैं, ये भी आप कर चुके हैं, तो बताओ भाई आपका कहाँ कमी रह गई। तो जब आप ये सब चीज़ें कंप्लीट करके जाएंगे ना तो आपको एक अच्छी सहमति मिल जाएगी कि हाँ आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस होके पेपर दे पाएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी आप जो है, मैं दृष्टि वालों का चैनल भी डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकिए। और आपको बुक खरीदनी है उस पाल की तो फिर आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ही खरीदिए। ओके, और आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।